तो यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं सांचौर से, ये सीधे लाइव तस्वीर। राजस्थान हर मामले में पिछड़ता जा रहा है, विकास में पीछे, गरीबों को योजना देने में पीछे, आसपास का सम्मान करने में पीछे, गौ तस्करी रोकने में पीछे, बहन बेटियों पर होने वाले अत्याचार में अत्याचार को रोकने में पीछे, विकास में आगे नहीं है। आज नंबर एक पर जब चर्चा होती है भाइयों बहनों, तो राजस्थान में इस बात की चर्चा होती है कि भाइयों बहनों, जो राजस्थान कभी अपने शौर्य और पराक्रम के लिए, अपनी भक्ति और शक्ति के लिए जाना जाता था, आज उसी राजस्थान में जब हम चर्चा करते हैं तो राजस्थान आज अगर किसी मामले में आगे दिखाई दे रहा है तो अपराध में नंबर एक पर है, भ्रष्टाचार में नंबर एक पर है, साइबर क्राइम में नंबर एक पर है, गौ तस्करी में नंबर एक पर है, और गरीबों की योजनाओं को हड़पने में भी नंबर एक पर आ गया है। भाइयों बहनों, अगर कांग्रेस ने सचमुच विकास कराया होता तो पिछले 9 वर्ष के अंदर मोदी जी को जितनी मेहनत करनी पड़ी, इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मोदी जी ने तो 9 वर्ष में 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बना दिए, 4 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना दे दी, 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा दे दिया, 4 करोड़ गरीबों को निःशुल्क बिजली के कनेक्शन दे दिए, 9 करोड़ 60 लाख गरीबों को रसोई गैस के फ्री के कनेक्शन उपलब्ध करवा दिए, 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत का सौगात दे दी। और भाइयों बहनों, संकट का जो साथी होता है वही सच्चा साथी होता है, और मोदी जी ने, आपने देखा होगा कोरोना कालखंड में जब लोग अपने सगे भाग रहे थे, तब मोदी जी पहला काम उन्होंने वैक्सीन दिया देश को बचाने के लिए, भारत की 142 करोड़ लोगों को बचाने के लिए वैक्सीन, और साथ साथ कोई भूखों न मरे इसके लिए 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा के सौगात दुनिया के अंदर कहीं नहीं मिला। याद करिए 1947 में भारत से ही अलग हुआ था पाकिस्तान, आज वहां पर 1 किलो आटा के लिए कैसे लोग लड़ते हैं, 1 किलो आटा नहीं मिल रहा है, और मोदी जी 3.5 वर्ष से फ्री में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो हर महीने राशन की सुविधा का लाभ दे रहे हैं, आगे 5 साल तक देंगे। और इसीलिए हम लोग आए हैं आज आपका आह्वान करने के लिए कि भाइयों बहनों, एक तरफ देश का सम्मान बढ़ाने वाली मोदी सरकार, एक ओर विकास के बड़े बड़े कार्य करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एक तरफ गरीबों का कल्याण करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और एक और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं सभी कार्य। पिछले 5 वर्ष राजस्थान के बड़े कष्टमय रहे, क्योंकि चुनी गई सरकार आपस में ही लड़ती रही और उसके नीचे पिसते रहे राजस्थान के लोग, योजनाओं से वंचित होते रहे राजस्थान के लोग, सुरक्षा में खतरे में पड़ती रही व्यापारियों की सुरक्षा, सुरक्षा में खतरे में थी यहां के बहन बेटियों की सुरक्षा, और
सरकार को जयपुर से बाहर निकलने की फुर्सत ही नहीं थी। और भाइयों बहनों, इसीलिए मैं आज आपके पास आया हूं कि राजस्थान में उससे पहले 5 साल श्रीमती वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास को पटरी पे लाकर के जिस तेजी के साथ कार्य किया था, अगर उसी गति से यहां पर कांग्रेस की सरकार ने भी इस गति को आगे बढ़ाया होता भाइयों बहनों, आज राजस्थान भी विकसित राज्यों की श्रेणी में होता और भारत के विकास में अपना योगदान दे रहा होता। लेकिन वह नहीं कर पाए। यहां तो कन्हैया लाल तेली की हत्या कर दी जाती है, बर्बर तरीके से कर दी जाती है, सरकार मौन, बेटियों के साथ जो निर्मम घटनाएं घटित होती है, अभी देवजी भाई पटेल बता ही रहे थे, सरकार मौन। यहां दोहरे कानून है, यहां पे हिंदू मरेगा तो मुआवजा 2 लाख रुपए बहुत मुश्किल से निकलता है, और मुस्लिम